तो मुबारकबाद की कोई गल है नहीं है क्योंकि ये कोई आसान नहीं है, कोई फेवर नहीं है। दिस वॉज आर राइट। हिंदुस्तान का संविधान भी कहता है वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट जम्मू कश्मीर वी द सिटीजन कितने चला गया कि वर्ल्ड के कोई और ऐसी स्टेट या रीजन नहीं है कि सैलूलर कम्यूनीकेशन या 4G इंटरनेट सर्विस इन्नी देर तक सस्पेंड होए हों। अगर जम्मू या जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को सैलीब्रेट कर रहे हैं तो दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है कि 4G बंद होने करके इतने जम्मू कश्मीर के 20 to 25 हज़ार करोड़ का नुकसान होया। 5 अगस्त 2019 के बाद साड़ा 4G इंटरनेट जरा गायब हो गया, वह परतिए आया गया नहीं। पर कल की दिहाड़े ऐसा होया कि 4G इंटरनेट परतिए साढ़े को वापस आया। 18 महीने 18 डिस्ट्रिक्ट साढ़े जम्मू कश्मीर के बिना 4G के इंटरनेट के रहे। तो ये बारे में गलबात करने ताई मेरे कन्ने यूथ एक्टिविस्ट कवल सिंह। तो कवल, पहले मैं दसो, पहले मतिया मतिया मुबारक कि भाई 4G बड़े चिरे बाद मिलिया सी। थानू भी खैर मुबारक, बट ये हूँ मुबारक है या एहसान है क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसकी कोई मुबारकबाद देनी चाहिए है। क्योंकि बीइंग ए यूथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर द लास्ट 18 मंथ्स, आई गैस द यूथ वॉज डिवाइड ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, और जिदी वजह नाल ना सिर्फ बिजनेसिस हिट हुए, कोविड पैंडमिक दे टाइम्स जिले सब कुछ डिजिटल मोड ते जा रहा सी। असी रिक्वेस्ट कर रहे सी गवर्नमेंट नू कि 4G नू रिस्टोर करो। स्कूल एजुकेशन वॉज गोइंग ऑनलाइन, लेकिन इतने के बच्चे 2G क्लासेस भी नहीं अटेंड कर सकते। तो मुबारकबाद की कोई गल है नहीं है क्योंकि ये कोई आसान नहीं है, कोई फेवर नहीं है। दिस वॉज आर राइट। मैं सोशल मीडिया पर मैं देखा बड़े सारे लोग क्रेडिट दिया दे पार्टियों की कि ये फलानी पार्टी अगे आई तो इन्हें यही आवाज़ चुकी 4G ताई, तो इन्हें की क्रेडिट जाता सारा। तो वो करा दे कोशिश कि हाँ भी क्रेडिट दिता जा कुछ ना कुछ तरीके कने, एक आसान आखी लो या जो भी आखी लो। आसान की गल नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 18 महीनों तो जिले भी लोग सबसक्राइबर है वो सारे के सारे 4G के चार्जिस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन असं यूज 2G कर रहे हैं जी। ते मैटर सुप्रीम कोर्ट विच भी गया, राइट टू इनफॉर्मेशन दी गल भी आई। ते ए ते साडा शायद राइट है ना, राइट टू एक्सेस टू इनफॉर्मेशन। ते ए साडे कोलों खो दिता गया। हुण जिहड़ी चीज़ तुसी साडे कोलों खोई उस तो बाद तुसी इहनूं 18 महीने बाद वापिस दे दित्ती और ये कह दिता कि तुहाडे ते आसान ते फेवर कर रहे हां। ये आसान ते फेवर नहीं है। अगर जम्मू या जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ नूं सैलीब्रेट कर रहे हैं तो दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या ये सैलीब्रेशन लई चीज़ है। कवल, एक चीज़ तो मननी पोग कि भाई जेड़ी कंपनी है ब्रॉडबैंड ताई, क्योंकि साढ़े जम्मू कश्मीर च पहले मैं भी नहीं शायद सुने था ब्रॉडबैंड हुंदा कि अजकल बच्चे दी जबान उपर ही है कि ब्रॉडबैंड के है, माँ प्यो ब्रॉडबैंड लुआई दिते दा उन्हें। तो ये ब्रॉडबैंड कंपनियां जेड़ियां जियो लाई लो, भावें BSNL लाई लो, और बथेरियां जेड़ियां कंपनियां जिन्हें एयरटेल वगैरह फाइबर ये पई गेदा साढ़े पूरे जम्मू कश्मीर च के, तो उन्हें की ज़्यादा फायदा होया इस 4G इंटरनेट बैन का? मैं तो समझांगा जरूर होया क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनियाज नू फैसिलिटेट भी किया गया जिले 4G बंद सीगा। इत्थे जियो फाइबर ने काफ़ी कनैक्शन इतने सर्कुलेट किए, ईवन कश्मीर भी जियो फाइबर ने काफ़ी जेड़े कनैक्शन वो उत्थे लगाए। तो डेफिनेटली जी प्राइवेट कंपनीज ने इन्हों फायदा तो होया। ब्रॉडबैंड तो जियो फाइबर वॉज एज ए यूज एज ए सबस्टीट्यूट टू 4G कनैक्शन, क्योंकि सबसक्राइबर तो उन्होंने वध गए दिन, क्योंकि सीधी जी गल है जो तुम अपना काम करना तो तुम्हारी अगर मजबूरी है तो तुम 4G अगर तुहाड़े कोल नहीं है तो तुम्हें तो जियो फाइबर लगाना पेगा। हूँ कोई बिजनेस जिथे मैं अगर सोचा जाए तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है कि 4G बंद होने करके इतने जम्मू कश्मीर के 20 to 25 हज़ार करोड़ का नुकसान होया। उन लोगों के असं कहते हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट सैक्टर नहीं है, बट ये गलत है। बहुत सारे बच्चे जोड़े ऑनलाइन काम करते, जम्मू स्टार्टअप्स इतने बड़े एंटरप्रन्योर से जोड़े काम कर रहे थे, उन्हों का सारे का बिजनेस नुकसान होया। बहुत सारे ई कॉमर्स के सन जोड़े कश्मीर हॉर्टीकल्चर के प्रोडक्ट्स खरीद के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते सन, वो अपने डीलर्स न कॉन्टैक्ट नहीं कर सके, उन्हों की मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यार जम्मू कश्मीर भी अगर देखा जाए अगर वर्ल्ड दे विच ते 4G दे नाल सब तो वड्डा अगर कोई बिजनेस हिट होया जम्मू कश्मीर विच होया। 2.8 बिलियन डॉलर दा नुकसान सारे भारत के होया पूरे वर्ल्ड च। केवल ए नहीं है जिले फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं छोटी जी एग्जाम्पल देंदा माइनिंग दी। जिले सैंड माइनिंग दे कॉन्ट्रैक्ट जिहड़े नूं ऑनलाइन किए गए, जेलम विच किए गए, रावी बैल्ट विच किए गए, और यह सारी बिडिंग ऑनलाइन की इन्होंने। हुण ऑनलाइन बिडिंग भी तुहानूं पता है तुहाडे कोल 4G कनैक्शन नहीं है, उस तो बाद 2G कनैक्शन उपर तुहानूं इनफॉर्मेशन लेट पुछदी है, तो वह कई सारे
जो लोकल बिडर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल ही नहीं, टेंडर फिल ही नहीं कर पाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनिंग का चाहे वह रावी बेल्ट है या जेलम के विच है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को चला गया, तो नुकसान किसका होया जम्मू के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का। इस करके देखा जाए कि 4G सस्पेंशन के नाल जम्मू कश्मीर के जोड़े हालात हैं वो बड़े ही, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन जोड़े जिन्हें सके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जामीनेशन की तैयारी कर रहे थे स्टार्टिंग भी जल्द 4G पूरा इंटरनेट सस्पेंड हुआ जम्मू कश्मीर के, वो फॉर्म भी नहीं फिल कर सके, वो ऑनलाइन तैयारी भी नहीं कर सके, क्योंकि एक लैग तो आता है ना। तुम अगर कंपेयर कर रहे हो जम्मू कश्मीर के बच्चों बाकी स्टेटा के नाल, तो जम्मू कश्मीर के इतने हालात ये कि 4G जम्मू कश्मीर 500 दिनों वास्ते बंद होया, तो इतिहास है कि वर्ल्ड के कोई और ऐसी स्टेट या रीजन नहीं है कि सैलूलर कम्युनिकेशन या 4G इंटरनेट सर्विस इन्नी देर तक सस्पेंड होए होन, विच हैज़ ड्रास्टिकली इफेक्टेड ना केवल बिजनेस कम्युनिटी नू बट जम्मू कश्मीर दे यूथ नू भी। लेकिन हुण अज कह देना जी असी 4G रिस्टोर कर रहे हैं विदाउट कंपनसेटिंग, हुण सोचने वाली गल है असी 4G का चार्ज पे कर रहे हैं फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स, दैट अमाउंट इज़ वर्थ करोड़, क्या उस सब्सक्राइबर नू अमाउंट रीपे किया जाएगा? बिल्कुल, मैं पूछना चाहगी कि साड़ी क्योंकि यूथ जो एक्टिविस्ट ने सामने आए, असें बारखी भी मनाई, अहे चोरी का, मैं चोरी का इंतजार करा दी, मैं लगे शायद चोरी हो नहीं 4G की, तो मतलब अस लोग इन्ना सामने आए, लेकिन वो कुछ ओपोजिशन की पार्टियां उन्हें इन्ना इंट्रस्ट नहीं दसिया कि भाई 4G वापस लियाना जम्मू कश्मीर च, कि ओपोजिशन का इन्ना रोल बनता हा कि वह भी यूथ कने खड़ोंदी। ये विचार करन वाली गल है, इहदे च कोई शक नहीं है कि जम्मू के जिहड़े आम लोग हन, आम जनता है, चाहे वह युवा है या बिजनेस कम्यूनिटी है, वह सारे बाहर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए हैं बड़े डिफरेंट से क्रिएटिव वे दे नाल, जिस तरह तुसीं किया प्रोटेस्ट किया कि 4G इज़ आर राइट, राइट टू इनफॉर्मेशन इज़ आर राइट, ये कर्टेल नहीं होना चाहिए, उन्होंने सरकार अगे मंग भी रखी। बट जम्मू कश्मीर मैं पिछले कई 2 सालों तो देख रहा क्रेडिट की बड़ी गल चल रही है, पहले की किया जाता है कि साढ़े को साडा हक खो लिता जाता है, फिर लोग सड़कों पर आते हैं तो कुछ लीडर कुछ बयान देंगे, फिर अगले ही दिन वो ऑर्डर रीइंस्टेट हो जाता है, और फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसका क्रेडिट लेंदी हैं। मैनू सोचन वाली समझ वाली गल नहीं आ रही, हाउ कैन जिहड़ी करंट पॉलिटिकल इस्टैबलिशमेंट है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हाउ कैन दे इहदे चों क्रेडिट लैन की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही तो 4G बंद किया, हूँ मैं 4G बंद किया और बाद चू मैं ही क्रेडिट लै रहा जी 4G हूँ बहाल हो रहा है। पहले तो थोड़े को पूछा जाए कि कोई एक खाला जी का घर है कि तुसी जम्मू के लोगों या जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्ना लाइटली लै रहे हो, कि 4G भी बंद कर दोगे कोई भी अबसर्ड रीजनस दे के, पॉलिसीज़ नवी लियाओगे बिना लोगों की गल पूछे? तो जिहड़ी लोगों की गल होनी चाहिए है, जिहड़ी आम डेमोक्रेसी की गल करिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस की गल करिए, उत्थे हिंदुस्तान का संविधान भी कहता वी द सिटीजनस ऑफ इंडिया, बट जम्मू कश्मीर वी द सिटीजनस कित्थे चला गया? इत्थे दे लोकां दी गल क्यों नहीं हो रही? इत्थे दे लोकां दी जिहड़ी आम डिमांड्स हैं उहदे बारे च गल क्यों नहीं हो रही? और ये सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नूं नहीं, इत्थे दे लोकां नूं सोचना चाहिए है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पावर लोकां दे हाथ विच है, मतदाता तुसी, मतदान तुसी करना है, तुसी वोट देंदे हो, तुसी इन्हां नूं पावर च बिठांदे हो, ते अगर अजे तुहाडे ही राइट्स कटेल हो रहे हैं तुहानूं अपने आप नूं क्वेश्चन करना चाहिए कि हैव आई मेड द राइट डिसीजन। बाकी जम्मू कश्मीर दी अगर आवाम की गल करिए तो पिछले 1.5 सालों तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिदे विच आवाम अगे आके उसने बोलिया ना होवे, कलैक्टिव एफर्ट्स आएन, कलैक्टिव एफर्ट्स होएन, लेकिन सोचने वाली गल है कोई अगे सुनन वाला नहीं है, साडा कोई ग्रीवेंस रिडेसल मैकेनिज्म नहीं है। दिस इज़ नॉट ए मूवमेंट टू सैलीब्रेट, दिस इज़ अ मूवमेंट टू इंट्रोस्पैक्ट दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग एज ए स्टेट, एज ए अर्स्टवाइल स्टेट टूडे जम्मू एंड कश्मीर। से ये बड़ी सोचने वाली गल है कि अगर असी जम्मू एंड कश्मीर नू प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अपने राइट्स की पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो आई थिंक इन मूवमेंट्स नू सैलीब्रेट नहीं करना चाहिए, इन मूवमेंट्स नू इंट्रोस्पैक्ट करना चाहिए। मता मता तुम्हारा शुक्रिया। यह मेरे कने यूथ एक्टिविस्ट जिन्हें साफ तौर पर यह आख्या कि भाई कलैक्टिव एफर्ट्स बड़े ज़्यादा जरूरी न, अगर तुसें कि कोई भी अपने हक की आवाज़ चुकनी है तो सारे की इकट्ठे आना। शेयर एंड सब्सक्राइब करो।